हेलो स्टूडेंट्स, आई एम रेखा यादव, योर साइंस टीचर. स्टूडेंट्स, वी विल स्टार्ट लेसन थर्ड ऑफ साइंस, फाइबर टू फैब्रिक. चैप्टर 3, फाइबर टू फैब्रिक. वी नो दैट फाइबर्स आर लॉन्ग, स्ट्रॉन्ग एंड फ्लेक्सिबल थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स दैट आर यूज्ड टू मेक फैब्रिक्स. तो हम ऐसे प्रीवियस क्लास में रीड कर चुके हैं कि फाइबर जो होता है वो लॉन्ग, स्ट्रॉन्ग और फ्लेक्सिबल थ्रीड लाइक स्ट्रक्चर होती है. उसकी थ्रीड के जैसी संरचना होती है जो कि फैब्रिक्स, कपड़ों के बनाने में काम आता है. क्लोथिंग मटेरियल्स. नेचुरल फाइबर्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स. कॉटन एंड जूट फाइबर्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट्स, वेयर एज वूल एंड सिल्क फाइबर्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम एनिमल्स. नायलॉन. नेचुरल फाइबर जो होता है वो हमें प्लांट्स और एनिमल्स से प्रोवाइड होता है. तो प्लांट से जो है हमें कॉटन और जूट मिलते हैं. इसके अलावा एनिमल्स से जो है हमें वूल और सिल्क के फाइबर जो है वो प्रोवाइड होते हैं, प्राप्त होते हैं. टेरुलिन. रेयॉन आर सम ऑफ द मैन मेड और सिंथेटिक फाइबर्स. मैन मेड फाइबर्स के अंदर टेरुलिन, रेयॉन, नायलॉन एक्सेट्रा फाइबर्स आते हैं. The clothes we wear are made from different kinds of fabric. Animal fibers. Wool and silk are animal fibers. They are. तो हमारा next point है कि animal fibers जो है हमें कैसे प्राप्त होता है, उससे हम जो है fabric कैसे बनाते हैं, ये पूरी process हम इस point में read करेंगे. Made up of proteins. We get wool from fur, hair of sheep, angora goat, कश्मीर गोट, यक, रैबिट, कैमल, लामा एंड अल्पाका. वूल. वूल एंड सिल्क जो है वो एनिमल फाइबर्स होते हैं जो कि प्रोटीन्स के बने होते हैं, और ये हमें एनिमल्स के जो फर हेयर होते हैं उनसे प्राप्त होते हैं. जैसे कि एनिमल्स के यानी बताए गए हैं सिप, अंगोरा, गोट एक्सेट्रा. ठीक है, इनके जो हेयर होते हैं इनसे हमें वूल प्राप्त होती है. इनके एनिमल्स की जो बॉडी है इसके ऊपर जो है हेयर का एक थिक कोट होता है, उसे ढकी हुई रहती है, इसको फ्लीस बोला जाता है. और सिल्क जो है ये कोकून्स, जो सिल्क वर्म होते हैं उसके कोकून से प्राप्त होता है. वूल इज प्रेजेंट एज अ थिक कोट ऑफ हेयर ऑन द बॉडी ऑफ वूल यील्डिंग एनिमल्स. एयर गेट्स ट्रैप्ड इन द स्पेसेस बिटवीन द वूल फाइबर्स. सिंस एयर इज अ बैड कंडक्टर ऑफ हीट, it does not allow the body heat to escape and keeps the body warm. That is why woolen clothes are worn in winters. Wool जो है एक तरह से animals के, जैसे मैंने आपको पहले बताया, एक thick coat होता है hair का, एक layer होती है body के ऊपर animals पे. तो इसके अंदर जो है air gas trapped, air जो है इसके अंदर पास नहीं होती है, जिससे कि वूल जो है, वूल फाइबर जो होता है वो गर्म रहता है. और एयर जो बैड कंडक्टर ऑफ हीट, हीट की जो एयर एक बैड कंडक्टर होती है, यानी कि गर्मी की बैड कंडक्टर होती है, जिससे कि एयर जो उसके अंदर पास नहीं हो पाती है. और यह वूल जिस रीजन से हमारे शरीर को जो है वो गर्म रखती है. वूल हैज अ हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ एंड हैज हाई इलास्टिसिटी. इट कैन अब्सॉर्ब लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर. इट इज सॉफ्ट एंड लाइट and can be dyed easily. It is considerably resilient. The fabrics made from wool have ability to retain shape better than the fabrics made from other natural materials. Wool जो होती है ये एक एक ऐसे मजबूत फाइबर होता है, स्ट्रेंथ होती है इसकी. और इसके अलावा यह वाटर को लार्ज अमाउंट में ऑब्जर्व कर सकती है, और इसका लाइट वेट होता है, यानी कि हल्का वजन होता है, जिसकी वजह से कि इजली डाइड हो जाती है, इजली जो इसको हम डाई कर सकते हैं. और इसके अलावा वूल जो है वो वूल का जो फाइबर्स होता है इसकी जो एबिलिटी होती है रिटेन सेप, इसको हम अपने मन मुताबिक किसी भी सेप में जो कपड़ा उससे हम बना सकते हैं फैब्रिक्स. इसकी वजह से जिसका जो फैब्रिक्स होता है वो अदर मटेरियल, नेचुरल मटेरियल के अलावा जो है बेटर होता है. रियरिंग एंड ब्रीडिंग ऑफ शीप. रियरिंग ऑफ शीप मींस टू लुक आफ्टर द शीप बाय प्रोवाइडिंग देम फूड, शेल्टर एंड हेल्थ केयर. नेक्स्ट पार्ट है रियरिंग एंड ब्रीडिंग ऑफ शीप.
तो रियरिंग ऑफ शीप क्या होती है, इसका मीन्स होता है कि जो शीप होते हैं उनको रखना, उनका लुक आफ्टर, देखभाल करना, उनको फूड, शेल्टर और हेल्थ प्रोवाइड करना, यह प्रोसेस रियरिंग होती है। इन इंडिया शीप आर मेनली रियर्ड इन द हिली रीजंस ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश एंड सिक्किम, ओवर द प्लेन्स ऑफ हरियाणा, पंजाब, राजस्थान एंड गुजरात। इन इंडिया के अंदर शीप जो है मेन रूप से हिली रीजन्स, पहाड़ी क्षेत्र होते हैं, जैसे जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, अरुणाचल एक्सेट्रा जो स्टेट होते हैं यहाँ पर मिलते हैं। The person who looks after the sheep is called a shepherd. Sheep are herbivores and eat mainly grass and leaves. वह व्यक्ति जो शिप की देखभाल करता है, भेड़ों की देखभाल करता है, उसको शेपर्ड कहते हैं। शिप जो है एक हर्बिवोरियस यानी के शाकाहारी जीव होती है जो कि मेनली ग्रास और लीव्स खाती है। So shepherds take the herds of sheep to open grasslands for grazing. Apart from grazing grass, the sheep are also fed mixture of pulses, corn, jowar, oil cakes. In winter, sheep are kept indoors and fed on leaves, grain and dry fodder. जो इसलिए जो शेपर्ड्स होता है वो हर शीप को ओपन ग्लास, जो शीप को जो है खुले घास के मैदान होता है वहाँ पर चराता है। इसके अलावा जो शीप होती है उसके जो खाने का हम भोजन कह सकते हैं कॉर्न, ज्वार, ओयल केक्स एंड मिनरल्स, ये इसके फूड्स के पार्ट्स होते हैं। इन एनिमल्स breeding is done to obtain animals with desired characteristics. The two individuals of desirable characteristics are selected as parents. These are then crossed, made to reproduce, to get new breed of the animals having desirable characteristics of both the parents. This is called selective breeding. इसके अलावा next हमारी point आता है breeding. Breeding क्या होती है? Breeding के अंदर टू सेलेक्ट एनिमल्स के, एक मेल और फीमेल, उनकी कैरेक्टरिस को प्राप्त करने के लिए, उनकी विशेषताओं को प्राप्त करने के लिए दोनों के अंदर जो है क्रॉस। शीप हैव बीन रेज्ड, दे हैव थिक कोट ऑफ हेयर ऑन देयर बॉडीज व्हिच यील्ड्स गुड क्वालिटी वूल इन लार्ज क्वांटिटीज। द नेम्स ऑफ सम ऑफ द ब्रीड्स ऑफ शीप इन आवर कंट्री रेयर्ड फॉर ऑब्टेनिंग वूल, द क्वालिटी ऑफ वूल ऑब्टेन्ड एंड द नेम्स ऑफ स्टेट्स वेयर दीज शीप आर फाउंड आर गिवन इन टेबल। तो कुछ हमारे ऐसे ब्रीड सेफ होती हैं जिनका कि हम, मैंने अभी आपको बताया बेटा, मेल एंड फीमेल्स जो एनिमल्स होते हैं उनको क्रॉस करके उनकी जो बच्चे जो पैदा किए जाते हैं, उनकी जो एक कह सकते हैं हम नस्ल जो पैदा की जाती है, उसके अंदर कुछ ब्रीड्स ऑफ शीप्स के नेम आते हैं हमारी कंट्री के अंदर जिनकी जो वूल और क्वालिटी होती है वूल की वो बेटर, इनके बेस्ट होती है। तो यहाँ पर हम इस टेबल में कुछ स्टेट्स और उन शीप्स के नाम दे रहे हैं, ये आपको बेटा अच्छे से देखने और रीड करने हैं और इनको आपको अपनी नोटबुक में नोट भी करना है। नंबर 3.1, सम इंडियन ब्रीड्स ऑफ शीप, सीरियल नंबर, नेम ऑफ ब्रीड, क्वालिटी ऑफ वूल, स्टेट वेयर फाउंड। 1. लोही, गुड क्वालिटी वूल, पंजाब, राजस्थान। 2. रामपुर बुश एयर, ब्राउन फ्लीस, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश। 3. नाली, कार्पेट वूल, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब। 4. बखरवाल, woolen shawls, Jammu and Kashmir. 5. Marwari, coarse wool, Gujarat. 6. Patanwadi, poor hosiery, Gujarat. Processing fibers into wool. Wool is obtained from the sheep by a long process which involves various steps. Let us study each step one by one. Sheep se jo hum wool praapt karte hain, उसको जो हम फाइबर, उससे जो फैब्रिक बनता है उसके बीच में एक लंबी प्रोसेस होती है, तो इनको हम स्टेप बाय स्टेप इस प्रोसेस को अभी रीड करेंगे। स्टेप 1, शियरिंग। द फ्लीस, कोट ऑफ वूल ऑफ शीप अलोंग विद अ थिन लेयर ऑफ स्किन आर पील्ड फ्रॉम द बॉडी ऑफ शीप। इट इज डन मैन्युअली विद अ लार्ज रेजर और विद एन इलेक्ट्रिकली ड्रिवन शियरिंग मशीन। The process of removing hair from the body of a sheep is called shearing. Shearing.
तो फर्स्ट स्टेप आता है बेटा सीयरिंग। सीयरिंग क्या होता है कि सीयरिंग के प्रोसेस के अंदर सिप की जो बॉडी होती है उसके ऊपर के जो हेयर होते हैं उनको काट कर अलग कर दिया जाता है, रिमूव कर दिया जाता है। और इसके लिए एक लार्ज रेजर का यूज किया जाता है जो कि इलेक्ट्रिकली ड्राइव यानी कि विद्युत से बिजली से चलता है। एंड डज नॉट हर्ट द शीप बिकॉज द अपरमोस्ट लेयर ऑफ द स्किन ऑफ शीप इज डेड। तो इस प्रोसेस के अंदर सिप की बॉडी को किसी तरह का कोई हर्ट नहीं होता, दर्द नहीं होता है, क्योंकि सिप की जो अपर मोस्ट लेयर होती है उसकी बॉडी की स्किन की वो डेड होती है, तो उससे उसके किसी तरह का कोई भी दर्द या हर्ट नहीं होता है। स्टेप टू, स्कावरिंग। द फ्लीस ऑफ शीप कंटेन्स डस्ट, डर्ट, स्वेट, वेजिटेबल मैटर एंड ग्रीस एटसेट्रा। The fleece of sheep is thoroughly cleaned by washing with soap or detergent and a lot of water in a tank. The process. Next step है हमारा scouring। इसके अंदर क्या होता है बेटा कि जो sheep होती है, सिप के जो फ्लीस होते हैं, जो बाल हमने काट के अलग किए हैं, उनके अंदर जो डस्ट, डर्ट, स्वीट, वेजिटेबल्स, जो भी धूल मिट्टी लगी हुई होती हैं उनको अलग किया जाता है। और ये जो प्रोसेस होती है क्लीन बाय वाशिंग, इसको साफ करने की जो प्रोसेस होती है वाशिंग विद सोप, सोप से धोया जाता है, डिटर्जेंट से इसको धोया जाता है। इससे क्या होता है, इसको एक लोट ऑफ वाटर इन टैंक, एक टैंक के अंदर काफ़ी मात्रा में पानी डालकर और उसके अंदर साबुन डिटर्जेंट से इसको धो दिया जाता है। तो यह यानी कि हम कह सकते हैं स्कोरिंग प्रोसेस होती है जब वाशिंग ऑफ फ्लीस ऑफ सिप टू रिमूव डस्ट, डर्ट, स्वीट, ग्रास एक्सेट्रा। ठीक है, यानी कि उसकी फ्लीस से धूल मिट्टी को अलग करने की जो प्रोसेस होती है वो सीयरिंग होती है। Of washing the fleece of sheep to remove dust, dirt, sweat and grease etc. is called scouring. Nowadays, scouring is done by machines. Step 3. Sorting. After shearing, the wool is separated or sorted into various categories depending upon its quality. Only fleece of long, fine quality is sent to the factory for further processes. The inferior quality or broken pieces are pressed into wool packs and sold separately. The process of separating the long, fine quality fleece from the remaining inferior quality or broken pieces is called sorting. Next process hoti hai sorting. To sorting mein kya hota hai ki the process of separating कि जो लॉन्ग क्वालिटी की जो इसके अंदर हम कह सकते हैं फ्लीस होती है, जो हेयर होते हैं सिप के जो हमने अलग किए हैं उसकी बॉडी से, जो लॉन्ग फाइबर क्वालिटी होती है, फाइन क्वालिटी होती है, उनको जो बाकी की जो हेयर्स होते हैं उनसे अलग कर लिया जाता है। ये प्रोसेस हमारी सॉर्टिंग कहलाती है। और फिर इनको अलग करने के बाद बेस्ट क्वालिटी की जो फ्लीस होती है उसको हम कह सकते हैं फैक्ट्री या फर्दर जो प्रोसेस आगे होती है वहां पर इनको भेज दिया जाता है। Step 4, combing. The fleece is combed to remove the burrs, tiny knots. The fewer the burrs, the better the wool. The process of removing the burrs from the fleece is called combing. The fibers are straightened. नेक्स्ट हमारी प्रोसेस है कॉम्बिंग। कॉम्बिंग के अंदर क्या होता है, जो हमारे फ्लीस होते हैं उनके ऊपर जो छोटे छोटे फर होते हैं, धागे की दूमा जो संरचना होती है छोटी छोटी, इनको जो है बर्स बोलते हैं, इनको रिमूव कर दिया जाता है। तो यह प्रोसेस हमारी कॉम्बिंग होती है। स्टेप 5, टाइंग। द नेचुरल फ्लीस ऑफ शीप इज ब्लैक, ब्राउन और वाइट इन कलर। द फाइबर्स ऑब्टेन्ड आफ्टर कॉम्बिंग इज डाइड इन वेरियस कलर्स। नेक्स्ट प्रोसेस है हमारी डाइंग। डाइंग के अंदर क्या होता है, जो नेचुरल फ्लीस होती है, नेचुरल जो ऊन होती है वो ब्लैक, ब्राउन और वाइट कलर की होती है। तो इन फाइबर्स को जब हम डाइड इन विभिन्न प्रकार के कलर के उनके ऊपर डाई कर देते हैं तो यह प्रोसेस डाइंग होती है। स्टेप 6, स्पिनिंग। द स्ट्रेटेन्ड फाइबर्स आर स्पन और ट्विस्टेड टुगेदर टू मेक यार्न। The wool yarn is then used to knit woolen fabrics, sweaters, etc. The quality of it is judged on the basis of thickness, length, shine, strength, fineness of the fibers. Silk.
Silk is a phase out. Adult silk moth lives only for a few days. Rearing of silkworms for obtain. इसके बाद जो है सिल्कवॉर्म के ऊपर जो ये लेयर होती है प्रोटेक्शन कार्ड, इसको कोकून कहा जाता है, जो कि इसको प्रोटेक्शन देती है. और सिल्कवॉर्म जो है इसकी प्रोटेक्ट्स के अंदर, इसके अंदर इसका डेवलपमेंट होता है इससे प्रोटेक्टर में, इसको पूपा कहा जाता है. जब पूपा डेवलप्ड हो जाता है अपनी फुली फॉर्म के अंदर, तो ये एडल्ट सिल्क मोथ बन जाता है. और फिर जो ये है एक ब्यूटीफुल सिल्क मोथ बनकर अपनी इससे बाहर, कोकून से बाहर निकलता है. लेकिन जो सिल्क मोथ होती है वे ओनली कुछ फ्यू डेज के लिए जीवित जिंदा रहती है. Moths are reared and their cocoons are collected to get silk threads. Rearing of silkworms means to look after the silkworms by providing them proper feed, food and shelter. Next point is rearing of silkworm. Silkworm mein kya hota hai ki rearing kya hai ki silkworm jo hote hain unko ek tarah se unki proper dekhbhal karna, unko food aur shelter provide karne ki process rearing hai. In a silk farm, female silk moths are kept in separate linen bags, which are carefully disinfected. Each female silk moth lays 200 to 500 eggs at a time. प्रत्येक जो female silk होती है, moth होती है, वो एक बार में 200 से लेके 500 तक के eggs देती है. The eggs are kept in perforated cardboard boxes or on bamboo trays under hygienic conditions. And ये एग्स जो होते हैं इनको एक कार्डबोर्ड बॉक्सेस के या जो बम्बू होते हैं उनके अंदर रखा जाता है, हाइजीनिक और सूटेबल टेम्परेचर के अंदर रखा जाता है. Under suitable conditions of temperature and humidity, an electrically warmed box inside which a substance can be kept at a desired temperature for the larvae to hatch from eggs. A perforated sheet of paper is placed over the hatching box and chopped mulberry leaves are spread over it. When the larvae, the silkworms, hatch out of the eggs, they feed on mulberry leaves. They eat day and night and increase enormously in size. During the period of इसके लिए इनको जब temperature suitable temperature पे रखा जाता है boxes के अंदर, फिर जो है इनको लार्वा जो होता है उनसे हैच एग्स बनते हैं. और ये परफोर्ड पेपर प्लेस्ड ओवर द हैचिंग बॉक्स ऑफ ट्रे एंड चैप, यानी कि बॉक्स के ट्रे के अंदर रख दिया जाता है, जहाँ पर इनकी मलबरी जो लीव्स होती है वहाँ इनके ऊपर डाल दी जाती है, जिनको कि ये खाते हैं, इनको फीड करते हैं, इनको भोजन के रूप में लेते हैं मलबरी लीव्स को. और ये ईट डे एंड नाइट, दिन और रात होते हैं, और इनका जो साइज ये भोजन लेने से जो है वो बड़ा हो जाता है. Spinning its cocoon, a silkworm is transformed into pupa. A silkworm completes its cocoon, which is about 4 centimeters long, in about 5 days by producing approximately 600 to 1200 meters of thin silk fiber. From cocoon to silk. 1. Boiling. The cocoons. इसके बाद बेटा जो है कोकून्स होते हैं उनके सिल्क का जो हम बनाते हैं, प्रिपेयर करते हैं, उसके बीच में क्या क्या प्रोसेस होती है ये पॉइंट दिए गए हैं. First boiled in hot water or treated in ovens to kill the larva inside. If the larva are not killed and allowed to grow, they will break the cocoon. This will reduce the length of silk fiber. The hot water softens the silk gum, sericin, so as to allow the unwinding of silk fiber as one continuous thread. सबसे पहले आता है boiling. Boiling के अंदर क्या होता है, cocoons को जो है गर्म पानी के अंदर, उबलते हुए पानी के अंदर डाल दिया जाता है, और इसे अंदर का जो लार्वा जो होता है वो मर जाता है. अगर इस लार्वे को मारा नहीं जाए तो ये ब्रेकडाउन कोकून्स को जो है ब्रेकडाउन कर देते हैं, तोड़ देते हैं, जिससे क्या होता है कि जो सिल्क फाइबर जो होता है उसकी लेंथ कम हो जाती है. Peeling, the process of taking out threads from the cocoon for use as silk is called reeling the silk. Reeling is done in special machines which unwind the threads or fibers of silk from the cocoon. जो तो इसके अंदर आता है बेटा नेक्स्ट प्रोसेस हमारी रीलिंग. रीलिंग के अंदर क्या किया जाता है कि टेकिंग आउट थ्रीड्स फ्रॉम द कोकून, कोकून से जो है उसका थ्रीड्स जो है वो ले लिया जाता है, और फिर इसको जो है धागे का इससे निर्माण किया जाता है, तो रीलिंग ऑफ सिल्क होता कहलाता है.
The fibers of the cocoon are too fine and delicate to handle. So, many of them, 3 to 10 fine filaments, are reeled together to yield a stronger thread called raw silk. The damaged or waste cocoons are used to produce an inferior quality of silk called spun silk. 3. Throwing. The raw silk is twisted to produce thrown silk. The process is called throwing. Next process is throwing. तो इसके अंदर जो raw silk होता है, उसको product twisted to product thrown silk silk का बनाने के लिए twisted दोबारा से reproduct किया जाता है, तो इस process को जो throwing कहते हैं. This prevents the silk from splitting into individual fibers. 4. Dyeing. Thrown silk is then dyed for making colored fabrics. The dyed silk fibers are then spun into silk threads, which are woven into silk cloth by weavers. Varieties of natural silk. Next point है dyeing. Dyeing के अंदर क्या होता है, जो silk हो जाता है उसको dyed किया जाता है, इनके इनके ऊपर color जो fabrics के ऊपर उसको colored किया जाता है. Look. There is a variety of silk moths which look very different from one another. The silk yarn thread obtained from the is different in texture, coarse, smooth, shiny, etc. Mulberry silk moth is the most common silk moth. The bulk of the world's silk supply comes from the mulberry silk moth. The silk fiber from the cocoon of this moth is soft, lustrous and elastic, and can be dyed in beautiful colors. Tusser silkworms mainly feed on urchin leaves to produce a tusser silk. Airy silkworms feed on castor leaves to produce a brick red silk called airy silk. Muga silkworms feed on soam leaves to produce a lustrous golden yellow muga silk. Muga silkworms are found only in Assam and nowhere else in the world.